क्या किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मंत्री हैं? इस सवाल को लेकर प्रदेश में हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर ये सवाल आज उस समय चर्चा में आ गया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बायो में मंत्री लिख दिया। हालांकि बाद में उन्होंने मंत्री शब्द हटाते हुए विधायक लिख दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले महीने जुलाई की शुरुआत में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब तक उनका इस्तीफा ना तो मंजूर किया गया है और ना ही इस बारे में कोई कामकाज ही दिख रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बायो में कैबिनेट मंत्री पद लिख दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपने बायो में फिर बदलाव किया और विधायक सवाई माधोपुर लिख दिया। किरोड़ी लाल मीणा के कैबिनेट मंत्री होने को लेकर सियासी चर्चा के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि किरोड़ी लाल अभी भी मंत्री हैं। कल ही मेरी उनसे बात हुई है और वो प्रदेश के आपदा मंत्री हैं। राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से राजस्थान जयपुर समेत कई अन्य जिलों में स्कूल बंद रहे। पिछले दो दिनों में बारिश संबंधी हादसों में 22 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को बुधवार को भी कई इलाकों में अति बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आधिकारिक बैठकों से दूरी बनाए रखने वाले किरोड़ी लाल मीणा भी आज कई जगह सक्रिय नजर आए। उन्होंने बारिश और बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया और दौरे में अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के वक्त आपदा मंत्री के ही गायब होने के सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, ये बेहद ही जरूरी है। मीणा इस समय दौरा क्षेत्र के दौरे पर है, वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और वो मीणा समुदाय के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले साल दिसंबर में चुनाव के बाद राजस्थान में बीजेपी फिर से सत्ता में लौटी और भजनलाल शर्मा की अगुवाई में नई सरकार अस्तित्व में आई। भजनलाल शर्मा सरकार में मीणा कृषि और आपदा मंत्री बनाए गए। हालांकि इस साल अप्रैल मई में कराए गए लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनके प्रभार के तहत आने वाले क्षेत्र की सभी 7 सीटों में से बीजेपी को अगर एक भी सीट पर हार मिलती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि चुनाव में मीणा के प्रभार के तहत भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, सवई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और जयपुर ग्रामीण की सीटें थीं। लेकिन बीजेपी को इन 7 सीटों में से 4 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी को जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट पर जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। मीणा ने 4 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।